उतरो 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 अब क्या करें, चलो पहले चलो Hey guys, कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज की दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ मोटो ब्लॉग के साथ। और बस आज संडे है तो हम जा रहे हैं मंदिर में दिन के लास्ट हमेशा की तरह। और अभी हो चुकी है रेड लाइट, पेट्रोल तो काफ़ी है, पेट्रोल बाद में डलवा लूँगा वापस आते समय। और बस बढ़िया, आप बताओ, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। और बस अभी दादी ग्राउंड के साथ हूँ मैं, दादी ग्राउंड जाती है हमेशा हमेशा छुट्टी में, पता नहीं क्यों ऐसी। और बस यार मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग भी बनाया था, ऐसी मतलब मन सा नहीं कर रहा था ऐसी, यार होता है बहुत पीछे कुछ कुछ। चलो टाइम आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा, अभी चलते हैं फिलहाल। भाई मतलब लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं ना कभी, यार एकदम मतलब ऐसे तैयार होते जैसे रेस लगने वाली, उधर फूर फूर कर रहे हैं भाई सारे। देखो ये गाड़ी वाला, ये देखो ये, ये देखो लौंडे लफाड़े, मैं भी 1 2 3। लेकिन अब बस ज़्यादा तेज़ी चला था 40-50 के ऊपर भाई। अभी पेट्रोल चलो बात करवा लेंगे आपसे आगे टाइम आगे, पर हमारे यहाँ पर बनी है पेट्रोल लाइन, तो यहाँ पे शाम के टाइम बहुत ज़्यादा जाम लगता है, बहुत ज़्यादा। और ये वाला पेट्रोल पंप अभी के अंदर है, अंडर कंस्ट्रक्शन। और बस ऐसी चल रही है ज़िंदगी अभी ना। असल में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि मोटर ब्लॉगिंग करते कैसे हैं, बोलना क्या होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अजीब सा हो जाता हूँ, मतलब फंबल कह रहे हैं या नर्वस टाइप हो जाता है। नर्वस तो नहीं होता फिलहाल कैमरे के सामने, लेकिन कभी हो जाता है जैसे बंदा एकदम से कैमरा ले आया, कोई जैसे कोई स्नैपचैट पर कोई और बना रहा है, अपने स्नैप वगैरह भी बना रहा है, कोई वीडियो शूट कर रहा है। मेरे को अपने अपने साथ कभी नर्वसनेस फील नहीं हुई है। और ये आ चुका है विशाल, और ये चलो चलते हैं अभी। और हाँ सबसे अच्छी बात होती है क्योंकि ना जाम नहीं लगता यहाँ पर ज़्यादा। और मेरे को ना बहुत तेज़ बोलना पड़ रहा था कि आपको आवाज़ पड़ जाए, पिछले तो मैंने लास्ट टाइम मोटो ब्लॉग किया था उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं पड़ती थी मेरी यहाँ तक भाई। मेरे को इतना बुरा लगा था ना, इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई थी भाई, ब्लॉग बनाया था यार, शेट यार मोटो ब्लॉग शेट यार। देखो सामने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, और यहाँ का हमेशा का ये देखो दिल्ली सरकार केजरीवाल की, नहीं पॉलिटिकल इशू नहीं बोलते, मैं बड़े यूट्यूबर से ये सब सीखता भाई, जिंदे बन जाते भाई अपने में खुश रहो, एक गड्ढा उसके साइड से निकल जाओ, अभी सबसे बढ़िया इलाज करते। इनको बाद में लग लग जाएगी कोई तेज स्पीड में आ रहा भाई, किसी ने देखा तो उसको मार ही देगा ना, क्या हद होती है। मैं तो सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इधर, पर मेरे को पता नहीं है कि शूट हो रहा है नहीं हो रहा, देख लेते हैं एक बार ना आगे रेड लाइट है, रेड लाइट। अबे यार ग्रीन हो गई यार, शिट मैन शिट, चलो चलते हैं। ओ भाई जगह दे दो भाई, जाने की जगह दे दो, स्कूटी का ही मस्त रहता भाई, साइड साइड से निकाल लो। लेकिन रिस्की बहुत होता है रोड के लिए ना भाई, आजकल बंदे बहुत गलत तरीके से चलाते हैं भाई, मतलब क्या ही बोले बंदा, खत्म हो चाहिए लोगों ने। गाड़ी वाला सस्ता मैं ही बड़ा हूँ भाई। मैंने लगा लिया अपने फ़ोन को अपने हिसाब से, इसका मतलब जो कैमरे वाला फेस है इधर होना चाहिए ना, मैंने उधर कर रखा था, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलते आप एक ज़्यादा शॉट देखो, आप भी मज़े करो भाई।
लोग गाड़ी डाउन कर रही है, निकालने निकालने। मैंने कहा भाई आगे ट्रैफिक वाले पुलिस होंगे ना एल लग जाएंगे फिर मजे ही मजा आएगा भाई, पुलिस वालों का फोटो खिंचवाएंगे मजे की चेक कर ली गैर। तो ना यार आजकल ना दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यार, हद मची हुई है। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स ए की वाई बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, भाई 500 से पार पहुँचा हुआ है। इसके लिए पिराली जलती है ना आजकल खेतों में भाई बहुत ज़्यादा। अरे चल ले भाई फोन में लगा हुआ है घूटने का। चलो 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 चलो। तो बस के पीछे लगना ना भाई बहुत खतरनाक है भाई, कभी भी अचानक से ब्रेक लगा देते साले, पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भाई गाड़ी रोन कह रही है ऑटो वाले तक निकाल के ले जाते हैं, खड़ा रहता यहीं पे तो सारी दुनिया रुकती है, मैं क्यों ना रुकूं भाई। बंदे इधर से आते हैं उधर से आते हैं सामने जाते हैं, मुड़ता है कोई यूटर्न लेता है अचानक से भाई, फिर भाई ट्रैफिक का अबे क्या बोल रहा हूँ यार, ओबे द ट्रैफिक रूल्स को मानोगे जब भी हमारी इंडिया अच्छी बनेगी भाई। बाकी लोग नहीं मानते लेकिन मैं तो मानूंगा ना, मेरे सारे घर वाले ट्रैफिक रूल्स मानते हैं। दादी डाउन के अलावा दादी डाउन खतरनाक है भाई, कतई गैर निकाल दे तू, तेरे को बताऊंगी गुद्दी में रैबट पड़ेगा ऐसे। चलो भाई पाँच चार तीन दो एक, भाई कैसे भग लिए सारे यार। गाइस आप लोग एक आधा स्लोमो एंजॉय करो फिर मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो गाइस पहुंचने वाले हम लोग मंदिर के पास, ये हम आते हैं ये ग्रेटर कैलाश पार्ट वन जीके वन शॉर्ट इन शॉर्ट। और बस पाम्पलो से पाम्पो टैंक के बाद वहाँ से हमने लेना होगा यार, अब यहाँ पे आएगा पाम्पो टैंक से। अभी क्या हो गया, टायर पंचर हो गया। ओ भाई उतरो ऐ यार बीटी हो गई, पंचर हो गया गाइस देख रहे हो, मतलब पीछे से अलग से ही जा रहा था। अब क्या करें, चलो पैदल चलो गुरु जी के यहाँ पर, स्कूटी तो कहीं खड़ी कर ले, कहाँ भी करने देगा यहाँ पे खड़ी कर ले। नहीं यहाँ पे खड़ी कर दी, कोई उठा के ले जाएगा, रुको लाओ ये, रुको ये पकड़ लो बस, आपका हेलमेट अंदर रख देता हूँ गाइस। यार अभी लगवा के लाया था मैं पंचर, पता है नहीं अरे कर लेना, अरे आओ आप आओ तो सही गाइस, पंगा हो गया अपने साथ। ठीक तो हेलमेट पे फ़ोन लगा के मोटर व्लॉगिंग कर लो, लोग ऐसे घूर घूर देखते पता नहीं कैसे क्या कर रहे हो। जो भी है भाई अपने पैशन के लिए लोगों को करना पड़ता है भाई। और ये देखो इस लुल्ली स्कूटी को कैसे लेके जाएंगे भाई, पंचर वाली, अरे बाप रे बहुत दम लग रहा है किसी करने में। यहाँ पे पंचर वाला, हाँ आप ये मार्केट है पाम्पो सेंट के पास गाइस, बहुत दूर है लेकिन वो सड़क है यार ड्यूटी है भाई। गाना याद आता है आजकल हसल 2.0 का फैन हो रखा हूँ ना, उसमें आता है पैराडॉक्स भाई फेवरेट, बैड डॉक्टर एम सी स्क्वायर दोनों एक ही आ रहे हैं भाई। बाद एक तो राम राम गाता है एक बी टी ओ भी गाता है भाई, बहुत भारी हो रही है स्कूटी। और चलो यार बढ़िया रिकॉर्ड हो गया, कंटेंट आ गया स्कूटी के बीच सड़क में टायर हुआ पंचर भाई, टाइटल बढ़िया सा बना के डालूंगा, हमने भी बढ़िया सा बनाऊंगा। देख रहे हो कैसे हो गया यार, चलो धीरे धीरे चलते हैं, एक हाथ से तो नहीं चलाऊंगा।
पंचर वाले के पास पहुँच के मिलता हूँ भाई। बिल्कुल नहीं चल रही, पूरा टायर बैठ गया है, मैं दिखा देता हूँ। देखा होगा आपने अभी, चलो नहीं देखा तो बाद में दिखा दूंगा।